हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं असुस आरओजी फोन 3 के बारे में, जो कि हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले इसका लाइव इवेंट खत्म हुआ है, तो आज हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में और इसके प्राइसिंग के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, Asus ROG Phone 3 ये एक मोस्ट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन बन के आता है। तो हम बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन देखने को मिल जाता है, जहां पे पीछे की तरफ हमें देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरा और ठीक उसी के नीचे हमें देखने को मिल जाता है ROG का RGB लोगो और उसी के साइड में हमें देखने को मिल जाता है कॉपर कूलिंग वेंट। तो दोस्तों, ये हो गई बैक साइड की बात। अब हम आते हैं फ्रंट साइड की तरफ, जहां पे हमें देखने को मिल जाता है ड्यूअल स्टीरियो फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स, उसी के साथ में फ्रंट कैमरा और दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं साइड की तरफ, जहां पे हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती है असूस की तरफ से। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं एयर ट्रिगर्स का वर्जन 3, जो कि काम आता है गेमिंग के टाइम पे और ये बहुत ही एक कूल फीचर लगता है मुझे गेमिंग स्मार्टफोन में। इसी के साथ में हमें देखने को मिल जाता है साइड माउंटेड टाइप सी पोर्ट, जो कि काम आता है गेमिंग के समय चार्जिंग को लगाते हुए, जो कि हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं अटकता है और आप इजीली इसमें गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं Asus ROG Phone 3 के डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 6.59 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही हाई रिफ्रेश रेट है, स्पेशली गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया हुआ है और इसी के साथ हमें इसमें देखने को मिल जाता है HDR10 का सपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अभी इस गेमिंग फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पे हमें देखने को मिल जाता है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर, जो कि है Qualcomm Snapdragon 865 प्लस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमें लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है Qualcomm की तरफ से और इसी के साथ में हमें इसमें देखने को मिलता है UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट और उसी के साथ में हमें इसमें मिलती है LPDDR5 RAM, जो कि काफी फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देती है इसमें। और इसी के साथ में हमें मिल जाता है कॉपर कूलिंग वेंट, जो कि आपके फोन को बचाता है ओवरहीटिंग से जब भी आप इसमें एक्सटेंसिव गेमिंग करें और आपका फोन लंबी देर तक आप इसमें गेम कर सकते हैं, इसमें आपको हीटिंग का कोई इश्यू नहीं होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा सेटअप के बारे में। हालांकि ये गेमिंग फोन है तो यहाँ पे कैमरा कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन कंपनी ने इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, जहां पे मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का। उसी के साथ में हमें देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और उसी के साथ में हमें देखने को मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। तो दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि ये सपोर्ट करता है 8K वीडियोस को एट 30 FPS। इसी के साथ में हमें देखने को मिल जाता है 4K एट 30 FPS का सपोर्ट और उसके साथ में आपको मिल जाता है स्लो मोशन शूट करने का मौका, वो भी 4K में। और इसके साथ में हमें इसमें देखने को मिल जाता है प्रो वीडियो मोड। ये हो गई दोस्तों बात रियर कैमरा के बारे में। अब यहाँ पे आते हैं फ्रंट की साइड पे। तो यहाँ पे हमें फ्रंट साइड में देखने को मिल जाता है 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि बहुत ही अच्छे फोटोज क्लिक करके देता है आपको। तो दोस्तों, इतने सारे एडवांस फीचर के बाद आपको गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको अच्छा बैटरी लाइफ चाहिए इस गेमिंग स्मार्टफोन में। तो दोस्तों, Asus ने भी यहाँ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। यहाँ पे आपको दी गई है 6000 mAh की बैटरी, जो कि आपको काफी लंबे समय तक गेमिंग में यूज होगी। इसी के साथ कंपनी ने इसमें दिया है 30W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, यानी कि आप अपने फोन को जल्दी से जल्दी चार्ज करके गेमिंग कर सके इसमें। तो ये थी दोस्तों बैटरी के बारे में। यहाँ पे आप लॉन्ग लाइफ बैटरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं Asus की तरफ से और यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एक्सटेंसिव गेमिंग के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की और इसके वेरिएंट्स की। तो दोस्तों, इंडिया में ये फोन आता है दो वेरिएंट्स के साथ में, जो कि है 8GB प्लस 128GB, जो कि है प्राइस्ड एट 49,999 रुपीज। और दूसरा जो हायर वेरिएंट आता है वो आता है 12GB रैम और 256GB के स्टोरेज के साथ में, जो कि है प्राइस्ड एट 57,999 रुपीज। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये प्राइस काफी अच्छी रखी है Asus ने, कंसिडरिंग 865 प्लस प्रोसेसर और गेमिंग फीचर्स के साथ में। ना कि ये फोन सिर्फ एक गेमिंग फोन के रूप से आता है ये, बल्कि ये फोन एक फ्लैगशिप फोन की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स है और फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से तो ये फोन काफी अच्छा प्राइस किया है Asus ने। तो आप लोगों का क्या लगता है Asus ROG Phone 3 के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।
तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।